जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा के बीच बहने वाला रावी दरिया पिछले करीब एक दशक से माइनिंग माफिया के लिए स्वर्ण स्थली बना हुआ है। पंजाब के माइनिंग माफिया के लोग पिछले कई सालों से रावी दरिया में बेरोक टोक तरीके से अवैध माइनिंग करते आ रहे हैं। माइनिंग माफिया के लोग इस दरिया में बने रेलवे लाइन के पुल के नीचे से किस प्रकार से बेखौफ होकर माइनिंग करते तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इस तरह की माइनिंग से इस पुल से गुजरने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। अगर ऐसे ही यहां पर माइनिंग होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। पर प्रशासन आंखें मूंद कर गहरी नींद सोया हुआ है। इसकी सीधी और साफ वजह है कि माइनिंग माफिया प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें और मुंह दोनों रिश्वत देकर बंद कर देते हैं। वहीं रावी दरिया से रात के समय अवैध माइनिंग किए जाने के विरोध में ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के सदस्यों का शिष्टमंडल डीएमओ कठुआ राजेंद्र सिंह बदराल से मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के सदस्यों ने डीएमओ को बताया कि रावी दरिया में माइनिंग पूरी तरह से बंद है क्योंकि रावी दरिया से माइनिंग का टेंडर अभी तक हुआ नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि रात को पंजाब से आए हुए गुंडे जोर जबरदस्ती से माइनिंग की अवैध पर्ची काटकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि ये गुंडे उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। शिष्टमंडल के सदस्यों ने डीएमओ से रॉयल्टी के रेट जारी करने की मांग भी की है। वहीं इस दौरान उन्होंने डीएमओ को वो पर्ची भी दिखाई जो ये पंजाब के गुंडे अवैध रूप से काट रहे हैं। वहीं मेरा नाम यासीन है और मैं बेसिकली बातचीत से बात करता हूँ। सर, हमारी बड़ी मांग यह है कि हमने काफ़ी दो चार महीने से हम सुन रहे हैं कि माइनिंग बंद है। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे और भाई लोग भी हैं, उनके पास भी गाड़ियाँ हैं, किसी के पास मशीन है, टिप्पर है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, तो माइनिंग बंद है। सर, रात को क्या होता है कि माइनिंग शरेआम चल रही है, उसमें हमने हमारे कौन सी जगह पर चल रही है? ये जो रावी दरिया है इसमें, उसमें पंजाब की गाड़ियाँ भी भर रही हैं, जे एंड के की गाड़ियाँ भी भर रही हैं, ट्रैक्टर भी भर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। 50 लोग वहाँ पे हैं जिनके पास 3-4-5 गाड़ियाँ हैं, पहले डंडे रखे हैं उन्होंने, और वो हमें कह रहे हैं कि अगर आप हमें इंसानी तौर से दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपको दूसरे तरीके से भी लटका के ले लेंगे। मैंने खुद माइनिंग दिया रात को 450 रुपया ट्राली का। तो हमारी यही मांग है कि सर, अगर माइनिंग बंद है तो ये गुंडे लोग कौन छोड़ रखे हैं रोडों में? कल उनका कोई नुकसान हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? माइनिंग डिपार्टमेंट लेगा या पुलिस लेगी? नहीं, माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है रावी में काम जो है वो नहीं चल सकता क्योंकि रावी जो है वो बंद है। फिर ये कौन लोग है, कहां से आ रहे हैं? सर, ये सरासर झूठ है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। सर, हमारी माइनिंग बंद है तो पंजाब वाले यहाँ से गाड़ियां भर के तरन तारण जा रहे हैं। यहाँ रेते का रेट 3000 कठुआ में और तरन तारण में भी जाके 3000 रेट है क्योंकि उनको यहाँ से 1000 रुपए रेता मिल रहा है और हमें 2500-2300 मिल रहा है। कोई फिक्स रेट नहीं है, कोई एक पर्ची दी गई है आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये पर्ची दी गई है, इसमें कहाँ लिखा है कि ये माइनिंग डिपार्टमेंट की पर्ची है? ये एक लोडिंग स्लिप है क्रशर की, जो गुंडे लोग हैं वो इनका एक डिपार्टमेंट। क्या समझते हैं आपकी ये जो मिली भगत है ये माइनिंग डिपार्टमेंट की उन लोगों के साथ है? सर, बिल्कुल यही समझते हैं। मिली भगत तो है ही इनकी, थोड़ा मिली भगत है तो तभी तो वो आउटसाइडर जो है वो आके यहाँ पे बैठ गए हैं। ऐसे किसी के घर में कोई घुस नहीं सकता बिना मिली भगत के, और उनके पास कुछ ना कुछ तो है जो वो माइनिंग वहाँ पे आके जबरदस्ती ले रहे हैं। और रही बात, अगर ये बोल रहे हैं, डीएमओ साहब ने बोला है कि हमने एक क्रेशर की जो है वो उनको हमने परमिशन दी है, वो बाबा चिश्तियाँ को क्रेशर का नाम ले रहे हैं, उनको हमने लीज दी है और श्री साईं का, वो कैसे हो सकती है? अगर रावी बंद है तो फिर वो लीज कैसे ले सकते हैं? उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि हम आपको पर्चियां देंगे उज दरिया की कच्चे माल की, ठीक है सर, उज दरिया की कच्चे माल की हम आपको पर्चियां देंगे और वो पर्ची आप उनके जो आपको कोई पूछेगा वो पर्ची आप उन्हें दिखा सकते हो, ठीक है सर। इसी के सारे क्रैशरों में से एक क्रैशर चल रहा है, वो सर अपनी मर्जी से हमें दे रहा है 2000 रुपया 2100 रुपया, अब वो दे रहे हैं 1800+300 2100 रुपया। रात को हमने वहां से रेत ली, 1800 हमने वहां पे क्रैशर पे दिया, 300 रुपया एक सैकड़े का हमने गुंडों ने हमसे लिया सर, ठीक है, 2100 रुपये में हमें वहां से बराई दी उन्होंने। यहाँ पे हमें डीएमओ साहब ने रेट, आज हमने रेट लिस्ट निकाली, हम रात से परेशान है, हमने मुंह तक नहीं धोया, आप देख रहे हो हमारी हालत दिख रही है इसमें। हम अब रेट लिस्ट दिखाई है तो रेट लिस्ट में 1480 रुपये रेट है विद रियल्टी प्लस जीएसटी, सब कुछ इंक्लूड करके 1480 रुपये रेट है जो कि हमें 2100 रुपये में मिल रहा है। पे रहा है ना डीएमओ सर, हमें बोल रहे हैं कोई क्रशर नहीं चल रहा, वहां पे जाके आप देखो सारे क्रशर चल रहे हैं। सर, एक चीज इसमें एक चीज इंक्लूड करना चाहेंगे कि हमें थ्रेट दी जा रही है गुंडों की तरफ से, सर हमारी जान चली जाए
जहाँ हमें कोई मारे सारे इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इनको भी भैया को भी दिया है, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। हमें हमें कहा गया है कि आप नॉमिनेशन है जी, आप ज्यादा बोल रहे हैं, आपको मुझे बोला गया है। इस चीज का हम एक नोटिस चाहते हैं कि हमें कल हमारी जान को खतरा, हमें कोई भी मार दे तो इसकी जिम्मेवारी या तो माइनिंग डिपार्टमेंट नहीं लेगा, माइनिंग डिपार्टमेंट लेगा। इनका कंसर्न है, हम SHO साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा कंसर्न नहीं इस चीज से, मैं ओवरलोड का चालान कर सकता हूँ, ट्रैफिक के जो रूल है उनका कर सकता हूँ, बाकी जो माइनिंग का है ये माइनिंग डिपार्टमेंट ही करेगा। हम यही जानना चाहते हैं माइनिंग डिपार्टमेंट से, अगर रावी बैन है तो रात को रावी कैसे चल रही है, गुंडे क्यों आ रहे हैं वहाँ। अच्छा, क्या आपने क्या पुलिस से इस बारे में बात की या कोई रिटर्न में आपने? हम पुलिस वालों के पास गए थे, SHO साहब के पास गए थे, उन्होंने यही कहा हमें कि हम गाड़ी सीज कर सकते हैं जो हमारी ड्यूटी है, जो ओवर लोडिंग होगी, लेकिन जो माइनिंग का रोल है वो हमारा नहीं है, वो माइनिंग का रोल है DMO साहब का। आपने इनको लिखित में कोई लेटर दिया कुछ ऐसा? अभी हमने SHO साहब को देखे आए हैं, इधर भी और इधर भी अभी रिटर्न में एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन ये तो सीधा साफ ही मना कर देते हैं कि माइनिंग बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। तो अपना माइनिंग बिल्कुल बंद है तो कैसे माल निकल रहा है? सर, लीज उनके पास हो चुकी है, वो रियलिटी वो वहाँ पे यहाँ पे आके काट रहे हैं, लीज उनके पास हो चुकी है। लीज ध्यान सिंह के नाम भी कोई लीज है, वो हमें दिखाते हैं, ये देखो हमारे पास लीज है, बोलते हमने पूरे J&K की लीज ले रखी है। सर, ऐसा तो होता नहीं है। रावी अगर बैन है तो फिर वो यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? यही बात क्या क्या कहना चाहते हो आप प्रशासन से, क्या कहना चाहते हो? कहना चाहता हूँ कि अगर रियलिटी लीज की है अपने उच्च, और हमारे एक उच्च है जो लग, वो लग है और रावी लग है, उच्च जो है वो सर पड़ जाता है इधर राजबाग चढ़वाड़ के पीछे, उसकी वो उन्होंने बनाए हुए अपने जो कागज बनाए हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, और रियलिटी हमसे मांग रहे हैं रावी की, रियलिटी रावी की मांग रहे हैं। और रात को सर मेरे साथ भी यही हुई, कुटागर जी को कह रहे हैं कि आप हमारे शक के आगे आ रहे हो, हम आपको ले लेंगे जैसे। DMO कठुआ राजेंद्र सिंह बदराल ने साफ तौर पर माना है कि रावी दरिया में माइनिंग पूरी तरह से बंद है और जो कोई भी माइनिंग कर रहा है वह अवैध है। कौन लोग हैं ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मटेरियल उठा के पंजाब में ले आ रहा, हमारे क्रशर बंद है, अभी कल ही एक क्रशर ऑपरेट हुआ है, कल ही वो भी क्रशर बंद है, तो कैसे मटेरियल यहाँ से जा सकता है? पंजाब के रियलिटी नहीं काट सकते, कोई नहीं काट सकता, अगर कोई आएगा उसके ऊपर FIR दर्ज होगा, वो पकड़ा जाएगा। मतलब इलीगली हो रहा है जो भी हो रहा है, अगर कोई ऐसी बात है, अगर नोटिस किया है या कुछ लोग बोल रहे हैं तो इलीगल है, या हम एक्शन लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता अभी तक? आज ही मुझे पता लगा, अभी मुझे पता लगा, तो हम एक्शन लेंगे। मैके दाम पे नहीं, जो रेट फिक्स है ऑलरेडी अप्रूव्ड रेट है, हमारी एक कमेटी होती है DC साहब की चेयरमैनशिप में, रेट अप्रूव है, एज पर रेट ही बिक रहा है। हमारे पास एक ही ब्लॉक है जो लीगल है, जो लीज लीज है वो उज में है, कोई अराउंड 50 हेक्टर की लीज है, वही इस वक्त ऑपरेट हो रही है, उसके पास जो है एनवायरमेंट क्लियरेंस भी है, कंसेंट टू ऑपरेट भी है, तो वहीं से ही मटेरियल लिया जा सकता है, चाहे अगर क्रशर वाले लेना चाहें या कोई लोकल आदमी भी पत्थर रेत जो भी लेना चाहे वहां से लीज होल्डर से वहां। अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।